प्रशासन की इज्जत करते हैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज हम उतर रहे हैं हमारे पैराडाइज रिसोर्ट के ऊपर। यहाँ पे एक सोलो बंदा आया था हमारे साथ, एक स्क्वाड थी। सो चलेंगे यहाँ पे देखते हो। मेरे को गन नहीं मिली थी, यहाँ पे मैं कॉल दे दिया और उसने आके यहाँ पे एक बंदा मार दिया पैराडाइज में। सो मैं आगे यहाँ से आवाज़ आ गई मेरे को एक स्क्वाड की, यहाँ पे स्क्वाड अपने आगे बैठी है एक। सो मैं यहाँ से कूद के लेफ्ट से फ्लैंग मार के मैं ये लोग को बोला तुम वहाँ से मुँह के आगे से जाओ। सो ये लोग आगे से जाए, यहाँ से एक बंदा यहाँ से आवाज़ आई मेरे को, मैंने यहाँ पे कूद के नॉक कर दिया एक। वहाँ से मेरे दोस्त ने सीधा फिनिश कर दिया, वहाँ से उनको बोला था फ्लैंग मारनी उन्हें, अच्छा खासा फ्लैंग मार दिया, वहाँ से जाकर फिनिश हो गए वो लोग। सो गए ऊपर भी इसके और बंदे बैठे थे, यहाँ पे मालूम नहीं था एकदम फुल पता ही ओपी कैम करके बैठे थे। मेरा टीम में सीधा ऊपर घुस गया था, सीधा नॉक दे दिया उसको। यहाँ पे हम दोनों ने कवर फायर देकर फिनिश कर दिया यहाँ पे इसको। मतलब इसके दो बंदे और बाहर कैम कर रहे थे, वो बाहर बैठे हैं दो बंदे, वो भी दोनों बंदे नीचे से आए गए। वो चलो देखते ये आया गाइस, यहाँ पे मेरी गन चली गई रीलोड पे और यहाँ पे दिक्कत आ गई क्योंकि उसी समय उसने रीलोड का आवाज़ सुनकर रश मार दिया और सीधा यहाँ पे नॉक दे दिया मेरे को। यहाँ पे कवर फायर आ गया मेरे टीम मेट का, तो बचा लेगा मेरा टीम मेट यहाँ पे मेरे को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे उसने वन एचपी कर लिया था मेरे टीम मेट ने, उसके लैग हो गया था मेरे टीम मेट का, वो बोलेगा अभी लैग हो गया बहुत लैग हो रहा है। जैसे आगे पैराडाइज के आगे निकले, यहाँ पे नीचे और बंदे स्पॉट कर लिए, यहाँ पे नॉक करके फिनिश कर दिया मैंने। यहाँ पे एक और था उसको भी फिनिश कर दिया मैंने। जैसे मेरे को आगे गए जाते जाते लेफ्ट से शूटिंग क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे शूटिंग की तरफ देखा, यहाँ पे शूटिंग की तरफ हुई। यहाँ पे M16+4 इस मेरा फेवरेट कॉम्बो। यहाँ पे बंदा कोई भी देखे सीधा पेलम पर गोपाल सीधा खत्म कर। यहाँ पे जो बंदा देखा बेचारा खुद नहीं बचा भी, बच नहीं पाया क्योंकि M16+4 है इसका, तई ओपी कॉम्बो है। वहाँ से स्पॉट किया मेरे टीम मेट ने, यहाँ पे जाके नॉक दे दिया उसको। बट मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे वो फुल ओपन में आकर खड़े रह गया, मैं यहाँ पे शूट कर दिया और उसकी टीम मैंने कवर फायर दे दिया। बस हम बच गए फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे मेरी गोलियाँ ख़त्म हो गई फाय की। सो मैं अपने टीम मेट को बोलता हूँ मेरे को फाय की गोलियाँ चाहिए। सो मेरा टीम मेट आके मेरे को दे देगा फाय की गोली। और आगे एनिमी की गाड़ी भी आ गई थी। चलो गाइस अभी देखते हैं आगे ये लोग कैसे स्क्वाड वाइप करते हैं। ये लोग बूट कैंप की स्क्वाड थे, बूट कैंप वहाँ से निकले थे ये लोग, बच के यहाँ पे आ गए थे। उसका बंदे ने फुल लो कर दिया मेरे बंदे ने आके किल चोरी कर दिया। चलो नेवर माइंड गाइस, टीम वर्क का गेम है पूरा पबजी। किल उसने ले लिया, मैंने ले लिया, टीम गई किल बड़े। कुछ ज़्यादा माइंड नहीं रखने का ये सब में। अब मेरे को मालूम है ये लोग घुस गए एक ही बंदे के ऊपर, सीधा फेल अंपायर करने वाले, सीधा घुस के उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर लोग यहाँ पे हम आ गए बूट कैंप के साइड से, देखिए बूट कैंप पे और स्पॉट है या नहीं है, तो पता चला यहाँ पे एक और स्पॉट बचे बूट कैंप के ऊपर। फ्लैट ड्रॉप मंगा था ये लोगों ने, तो हम बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर, मेरे को ये लोग ने राइट में मार दिया, मैं राइट में स्पॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट में बंदा है किधर। कुछ देर बाद मैंने पूछा था में कोई सामने बंदे हैं, फायर दिया के अंदर, यहाँ पे मेरी गोली कनेक्ट हुई तो मालूम पड़ गया बंदे की बच्ची दे रहा था वो बंदा। सो मैंने यहाँ पे QBU से मार दिया, फिनिश कर दिया सीधा उसको। फिर यहाँ पे मेरे बंदे ने मार दे दिया कि पीछे से एक और सोलो बंदा आ रहा है, उसकी शॉट डेड हो गई है। ये लोग पहले फाइट कर रहे थे और यहाँ पे सीधा फिनिश कर दिया मैंने। सो जैसे आगे कंपाउंड में जाए आगे फायर जाओ रही थी, यहाँ पे दो बंदे लूट रहे थे फिलहाल तो आराम से, कोई टेंशन नहीं, फुल ओपन बैठे हुए लूट रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी इनको। यहाँ पे एक बंदे नॉक फिनिश कर दिया सीधा मैंने, दूसरा बंदा यहाँ पे फुल वन एच पी में बच गया, अंदर चले गया वो टीम इसमें फुल रश मारने का। बोल दो बंदे नॉक थे, हम चारों बंदे जिंदा थे, तो 4v2 ईजी था। यहाँ पे मैंने रैंडम नेज डाल दिए तो यहाँ पे नेज से थोड़े जो नॉक वॉक फिनिश विनिश हो गए। पीछे से फायरिंग क्या होती है, मैं पीछे चले गया सीधा बिना लूट पे, बंदे पावर है इसमें, सीधा इसको फेल दिया, नॉक दे दिया मैंने, डीसिंग क्या होता है फेल दिया।
सामने से वहाँ पे सामने ही बंदे लेटे पड़े थे, मैं सीधा कंफर्म के अंदर जाने का प्लान बनाया क्योंकि यहाँ पे बाहर भी रहे थे, पीछे से कवर फायर आएगा उनके टीम में था जिसको मैंने डीसी को नॉक किया, आगे से भी कवर फायर आ जाएगा तो काफ़ी दिक्कत रहेगा ये चीज़। हम पीछे आए बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करें क्योंकि पीछे गलत ही बीटी दे देंगे, कोई स्पॉट नहीं करें भाई, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जब तक कोई इस बंदे स्पॉट वर्ड ना आए। ये फुल बंदे ही कैंप करके बैठे घास के अंदर, जब तक मैंने थोड़ा सोचा थोड़ा लूट वूट लेते हैं, पीछे से फायर आया मेरे ये लोग ने टीम में से जाकर फिनिश कर दिया उधर, और तब जाके कि मेरा टीम में जो अंदर घर के अंदर गया सो गाइस, यहाँ पे एक गंदा ही कैंपर बैठा, गलत ही कैंपर, मैं अभी जस्ट घर के अंदर से लूट के निकला और सीधा इसको नॉक फिनिश कर दिया, टीम में कवर फायर देने बुला लिया कि गंदा किधर है, यहाँ पर मैं नॉक फिनिश कर लेता सीधा, मेरे को एक टीम आ गया बेचारा, मेरा एक टीम में था उसको फिनिश नॉक फिनिश हो गया, उस सामने मेरे एक बंदे ने नॉक दे दिया, मैंने सीधा नेट वेट डाल दिया, मैं वहाँ नेट डाल के सीधा घुसते हैं, लास्ट जो है चार ही बंदे बाकी, मेरे को लगा थ्री वी अभी थ्री वी थ्री का फाइट हो जाएगा क्योंकि पहले थ्री वी फोर था, मेरे को ऐसा लगा मान पाए अलग ही स्क्वाड थे, दो ही थे बाहर आया, मैंने इसको पेल दिया यहाँ पे टीम में आकर फिनिश कर दिया, जी जी का यहाँ पे चिकन डिनर मार दिया हमने। चलो कुछ मिलते अगले वीडियो में, लाइक करना शेयर करना है ना मेरा भाई, और सरप्राइज भी जरा याद से कर देना, मेरी ये गुजारिश आपसे।